हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल देसी फूड किंग। आज हम आपके लिए लाए हैं बिहार के स्टाइल में सित्तू ड्रिंक, जो कि गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। मैंने सित्तू नहीं मार्केट से लिया है क्योंकि मुझे अपने घर पे बनाना है सित्तू, तो इसीलिए मैंने चना, भुना हुआ चना ले लिया है और भुने हुए चने का छिलका निकाल के अच्छे से इसको पीस लेना है। तो हम इसको सबसे पहले इसका छिलका निकाल लेते हैं। तो एक थाली में हम भुना हुआ चना डाल लेंगे और इस तरह हाथों की मदद से छिलका निकाल देंगे। इस तरह करने से छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है। इसे यूपी और बिहार में बहुत ही ज़्यादा गर्मियों के सीजन में पिया जाता है। इस बार गर्मी में आप भी सित्तू ड्रिंक बना के ज़रूर पीजिए और कमेंट में बताइएगा कैसा बना हुआ है। और इसे हम अच्छे से इस तरह झाड़ लेंगे, तो इस तरह हाथों की मदद से छिलका निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अब इसको हम मिक्सर जार में डाल के पीस लेंगे। तो हम मिक्सर जार में इसे चना को, याद रखिए कच्चा चना नहीं लेना है, भुना हुआ चना लेंगे तभी सही रहेगा। कच्चा चना से भी बना सकते हैं पर कच्चा चना से मज़ा नहीं आता, भुना हुआ चना ही यूज़ करते हैं। इसे हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए चना मेरा अच्छे से पिसा गया है। अब इसे हम बनाते हैं सित्तू ड्रिंक इससे। तो आइए चलिए बनाते हैं सित्तू ड्रिंक। जो सित्तू मैंने पीसा था वो 4 चम्मच डाल देंगे, आपको जितना बनाना है आप उस हिसाब से डाल दीजिए। यहाँ पे हम 1 गिलास बनाएंगे, तो 1 गिलास के लिए 4 चम्मच सित्तू ले लीजिएगा और उसमें आप प्याज काट लीजिए बारीक बारीक। तो यहाँ पे हम प्याज बारीक बारीक कट कर लेते हैं। ये हम मसाला सित्तू बना रहे हैं, मसाला सित्तू ड्रिंक बना रहे हैं और एक मीठा वाला बनता है। अगर आपको ये पसंद आए तो आप बताइएगा, हम मीठा वाला भी बना के आपको वीडियो डाल देंगे। तो यहाँ पे हम प्याज कट कर दिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा सेंधा नमक, सेंधा नमक डालने के बाद थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, पुदीना रस डालने के बाद अब इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। 1 गिलास हम पानी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, एक भी घोल ना रह जाए। अब इसे हम आइस क्यूब डाल देंगे, इससे फिर तो बहुत ठंडा रहेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। हम फिर से मिक्स कर देंगे और 1 ग्लास में हम इसे सर्व कर देंगे। तो ये देखिए सित्तू ड्रिंक बन के एकदम तैयार है। तो फाइनली मेरा सित्तू बन के एकदम तैयार है। ठंडा ठंडा गर्मियों में सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी बनता है और एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिए। आप इसमें और भी मतलब हरा मिर्च भी डाल सकती हैं। यहाँ पे हम हरा मिर्च नहीं डाले हैं क्योंकि मेरे घर में हरा मिर्च नहीं पसंद करते हैं, तो इसीलिए हम बिना हरा मिर्च का ये बनाए हुए हैं सित्तू ड्रिंक। तो बताइएगा ठंडा ठंडा सित्तू ड्रिंक कैसा है, और अच्छा भी है तभी कमेंट करिएगा, ख़राब भी है तभी कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।